हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और इलॉन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। और डरो मत, हम यहाँ पर कोई बिटकॉइन या क्रिप्टो की बात नहीं करने वाले हैं। वो तो आज हम ये जानेंगे कि इलॉन मस्क अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं। इतना जीनियस इंसान है यार, दिन भर क्या करता है, पढ़ाई करते रहता है क्या? वेल, मे बी आपको ये जान के हैरानी हो, जहाँ एक नॉर्मल इंसान हफ्ते में सिर्फ 48 आवर्स काम करता है, वही इलॉन मस्क आज भी एट द एज ऑफ 50 हफ्ते में 85 से 100 आवर्स काम करते हैं। Where do you sleep tonight? Tonight's in the factory. और यही वजह है वो आज भी 5 कंपनी सक्सेसफुली चला पा रहे हैं और प्रतिदिन 28,000 करोड़ कमा पा रहे हैं। बट क्या वो ये सब बस अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अपने विल पावर के वजह से ही कर पा रहे हैं? एंड द आंसर इज नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सक्सेस पाई है अपनी सोच, मेहनत और टाइम मैनेजमेंट से। अब एग्जांपल के लिए आप उनके डे टू डे लाइफ में ही थोड़ा सा झांक लो। वो वॉशरूम में बैठे बैठे मेल्स के रिप्लाई देते हैं, वक्त बचाने के लिए ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और लंच को भी उन्होंने अपने पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट ही दिए हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिस में 5 मिनट्स रूल रखा है। यानी कि वो दिन के सैकड़ों छोटे कामों को बस अपना 5 मिनट ही वक्त देते हैं, इंक्लूडिंग हिज लंच। और ऑफिस में 14 घंटे काम करने के बाद भी इन महाशय को वक्त कम पड़ जाता है, और बस इसीलिए वो जिम में भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स और डिनर में मीटिंग्स करते हैं। बट बात अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक दिन पूरा होने के बाद वो रात के 11:30 बजे अगले दिन क्या करना है उसका स्केड्यूल सेट कर लेते हैं। लेकिन अभी तो मैं डिटेल में घुसा भी नहीं हूँ। अगर आपको इन डेप्थ में जानना है तो चलिए हमारे साथ मिलके जानते हैं इलॉन मस्क की लाइफ में और देखते हैं इनका एक दिन कैसे गुजरता है। In our today's video titled, A Day in the Life of Elon Musk. अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है, ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत सुबह की चाय की चुस्की के साथ करते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। तो इलॉन मस्क की कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही बिल्कुल नहीं होती। इलॉन मस्क अपने आने वाले कल के दिन की शुरुआत आज रात के 11:30 बजे से ही कर लेते हैं। कल क्या करना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, कौन से कंपनी को कितना वक्त देना है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ एक रात पहले ही स्केड्यूल्ड और प्लान्ड हो जाता है। और 12 बजे तक वो ये सब खत्म करके बुक्स पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको दूसरों की गलतियों और उनके सीक्रेट वे टू सक्सेस जानने होते हैं, सो दैट वो उनकी लाइफ से लेसन्स ले पाए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए। बट यहाँ पर अगर वो सबके पास पर्सनली जाते हैं तो उनका सामने वाले दोनों का बहुत टाइम वेस्ट होगा, और इसीलिए उन्होंने बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट स्टीव जॉब्स, तो उन्होंने उनकी बुक पढ़नी चालू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने ज्यादातर चीजें जैसे कि हाउ टू प्री प्लान, हाउ टू अवॉइड मिस्टेक, स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस और टाइम को मैनेज कैसे करना है, बुक से ही सीखा है। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये कहा था कि वो स्ट्रक्चर और व्हाई थिंग्स डोंट फॉल डाउन नाम की किताब से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन लाइफ तो उनकी फेवरेट बुक्स में से एक है। अब फ्रेंड्स, जरा ये देखिए, ये कोई फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो नहीं है, बल्कि ये तो इलॉन मस्क की नॉर्मल रीडिंग स्पीड है। देखने में यकीन नहीं होता है, राइट? ऐसा लग रहा है बुक्स पढ़ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। बट इसके लिए उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 20 सालों का। 20 सालों से वो बहुत सारे अन्य किताब रीड करते आए हैं और इसीलिए वो स्पीड हासिल कर पाए। पर ये आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। बट बात तो ये है ना भाई लोग, कि अगर हम स्पीड से बुक को रीड नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम स्पीड से बुक को सुन तो सकते हैं। और ये चीज पॉसिबल करता है द कुकू FM ब्रिलियंट लर्निंग ऐप, जहां पर आपको अन्य किस्म की एजुकेशनल, सेल्फ डेवलपमेंटल, फाइनेंस रिलेटेड, बायोग्राफी रिलेटेड, मोटिवेशन, नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहीं से भी आपको जो भी नॉलेज मिलता है वो सारी बुक्स समरीज के फॉर्म में मिलेगी और साथ में ऑडियो फॉर्मेट में भी। एंड यस, ये सारी की सारी किताबों को आप सुन सकते हो इन रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा ऐप है जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोगों ने बुक्स पढ़ी है और वो बुक्स पढ़ते हैं आए दिन, और हमारे बिजी लाइफ में ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम इतना टाइम डेडिकेट करें बुक रीडिंग में, इसीलिए ऑडियो लिसनिंग बुक्स हमारा काम आसान कर देती है। और आप इसके लिए ज्यादा पे भी नहीं कर रहे हो, इसका कॉस्ट है ₹399 फॉर 1 ईयर, जो कि 1 रुपया प्रतिदिन है। बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको उसमें भी 20% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ₹319 में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी कि लेस देन 1 रुपी पर डे में आपको इतना सारा ज्ञान मिल पाएगा। So click on the link below and let's cultivate the learning, listening and reading habit. Well, coming back to the story, वो book reading खत्म करके strictly 1 बजे तक अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने 6 घंटों की नींद बहुत ज्यादा प्यारी है, बिल्कुल जितना प्यार उन्हें अपने SpaceX से है। अगर उनकी 6 घंटे की नींद में कोई विघ्नता आए
तो समझ लो अगले दिन उनके एम्प्लॉयज की शामत आई। और क्यों ऐसा? क्योंकि उनका स्केड्यूल ही कुछ ऐसा है कि अगर वो नींद प्रॉपर ना ले पाए तो उनका नेचर चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। और इसीलिए बेटर है कि उनकी नींद पूरी होने दो और अगली सुबह के 7 बजे के अलार्म बजने तक का वेट करो। सुबह 7 बजे उठते ही इलॉन मस्क सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट मेल्स और मैसेजेस पढ़ के रिप्लाई देते हैं। और आधे घंटे मेल्स और मैसेज से गुजरने के बाद 7:30 AM को वो गर्मा गर्म पानी से नहाने जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्हें गर्म पानी से नहाना पसंद है, बल्कि उसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आप गर्म पानी से नहाते हो ना, तो वो आपका ब्लड सर्कुलेशन और मसल टेंशन दोनों ही इम्प्रूव कर सकता है, जो आपको पूरे दिन बिना थके काम करने में हेल्प करता है। अब यहाँ से आगे की स्टोरी को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 पार्ट्स में बाइफोकेट कर देते हैं। पार्ट नंबर 1, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड स्कूल रन। इलॉन मस्क का शेड्यूल इतना टाइट होता है ना कि वो वक्त बचाने के लिए रोजाना ब्रेकफास्ट स्किप कर सिर्फ कॉफी पी लेते हैं और बस फिर अपने 5 बच्चों को साथ लिए निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस की तरफ। नहीं नहीं, उनके बच्चे ऑफिस नहीं जा रहे हैं। दरअसल इलॉन मस्क अपने 5 बच्चों को रोजाना खुद स्कूल छोड़ने जाते हैं। और अब जब हम स्कूल की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इलॉन मस्क के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वो कोई आम स्कूल नहीं है। साल 2014 में जब इलॉन मस्क को लगा कि प्राइवेट एजुकेशन में थिंग्स उतने प्रैक्टिकल और स्टडीज उतनी एडिक्वेट नहीं है, तब उन्होंने खुद एक स्कूल खड़ी कर दी और उसको नाम दिया AD एस्ट्रा स्कूल। और अब उनके बच्चे और SpaceX के एम्प्लॉयज के सारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ कोई नॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि 4 प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो है एथिक्स, साइंस, मैथ्स और इंजीनियरिंग। Yes, इन्हें बचपन से ही इंजीनियरिंग सिखाया जाता है। एंड अब एक्सपेक्ट भी क्या करोगे जब वो स्कूल इलॉन मस्क ने बनाई हो। यहाँ पर बुक्स नहीं होते हैं, यहाँ पर सारे बच्चे लैपटॉप में अपने नोट्स लिखते हैं, सो दैट बचपन से ही बच्चे का हाथ AI के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बैठ जाए। और उन बच्चों को जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है उसे देख आप ये भी कह सकते हो कि इलॉन मस्क वहाँ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SpaceX को तैयार कर रहे हैं। सच अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वेल, स्टोरी पे वापस आते हैं। इलॉन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ सीधा अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। पार्ट 2, वर्क डे। ऑफिस की बात करें तो वो ज्यादातर चीजों को 5 मिनट स्लॉट्स में बांट देते हैं, यानी कि हर छोटे काम जिसकी कोई फाइल चेक करना है या एम्प्लॉयज के साथ डिजाइन में फॉलोअप्स करना है या ऐसे हजारों छोटे मोटे कामों को वो बस अपना 5 मिनट का वक्त देते हैं। एंड उसी एक 5 मिनट के स्लॉट में उनका लंच ब्रेक भी लागू होता है, जहाँ आप और मैं आराम से टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, वही इलॉन मस्क इतने बिजी होते हैं कि वो मीटिंग्स अटेंड करते करते अपना लंच खाते हैं। और 5 मिनट के अंदर वो जितने भी सैंडविचेस या पिज्जा के जितने भी स्लाइसेस खा सके वो खा लेते हैं। बाकी फुल डे वो काम करते करते 6 से 7 कैंड कोक्स और 4 से 5 ब्लैक कॉफी पीते हैं। आई नो हमारे हिसाब से ये सब अनहेल्दी ड्रिंक्स है, बट उनके हिसाब से ये कम वक्त में पेट भरने का सोल्यूशन है, या कहो तो भूख मारने की दवाई। अब रही बात कि वो काम कैसे और कहां करते हैं, तो उसका जवाब है उन्होंने अपनी 5 कंपनीज में से 2 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देके रखा है, जो है टेस्ला और SpaceX। और साथ ही में इन दोनों कंपनीज को संभालने के लिए इलॉन मस्क ने अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को यूज करते हुए एक परफेक्ट स्केड्यूल तैयार कर लिया है। स्केड्यूल के हिसाब से वो मंडे, फ्राइडे और पार्ट ऑफ सैटरडे SpaceX में होंगे। जहां एक नॉर्मल पर्सन 2.5 दिन में 20 घंटे काम करता है, वहीं पर मस्क 40 घंटे काम करते हैं। और वो ट्यूजडेज, वेडनेसडेज और थर्सडेज को टेस्ला में होते हैं, जहां वो प्रतिदिन 14 घंटे यानी कि टोटल मिला के 42 आवर्स काम करते हैं। और इन्हीं दोनों कंपनीज में वो अपना 80% टाइम ऑफिस में देते हैं, जहां इलॉन न्यू डिजाइन्स बनाने की ट्राई करते हैं और 20% बोर्ड मीटिंग्स में प्रेजेंट होते हैं और अन्य प्रोजेक्ट्स और डिजाइन्स को अप्रूव करते हैं। और एक बात बताऊं, उस 80% टाइम में भी एक बाइफरकेशन है। वो उस 80% टाइम का भी 80% टाइम डिजाइन्स बनाने में डालते हैं और बाकी के 20% प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ रहते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देता हूं ये बताने के लिए कि वो कितने वर्कहोलिक हैं। अगर उनको कभी भी वॉशरूम यानी कि 2 नंबर जाना हो, तो वो वहां भी अपना काम नहीं छोड़ते। जहां पर आप बाथरूम में इंस्टाग्राम यूज करते हो, वहां इलॉन भैया बाथरूम में मेल्स और इम्पोर्टेंट मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं। ये इतने वर्कहोलिक है कि इनका क्या कहना। इनके हिसाब से नेचर्स कॉल इज अ फैंटास्टिक टाइम टू चेक ईमेल्स एंड गेट अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस। खैर, ये तो हुई उनकी वॉशरूम की बात। अब हम उनके ऑफिस लाइफ की बात करते हैं, जहां पर उन्होंने 3 ऐसे रूल्स बना के रखे हैं जो मुझे पर्सनली भी काफी पसंद है। पार्ट 3, मीटिंग रूल्स। इलॉन मस्क ने बुक्स पढ़ के और दूसरे कंपनीज को देख के ये नोटिस किया कि ज्यादातर कंपनीज अपनी काफी वक्त मीटिंग्स में वेस्ट करती है, सो वो सेम गलती इनके कंपनीज में ना हो, इसीलिए उन्होंने ये 3 रूल्स बनाए। रूल नंबर 1, नो लार्ज मीटिंग्स।
अब सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ओपिनियंस और उतना ही ज्यादा भसड़पंती। और बस इसीलिए इलॉन जी ने ये कह दिया कि मीटिंग में सिर्फ 3 से 4 लोग ही होंगे, सो दैट सिर्फ काम की बात हो और फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। रूल नंबर 2, इफ आप मीटिंग में कोई वैल्यू एड नहीं कर रहे हो तो दरवाजे के बाहर चले जाओ। हाँ, ये रूल सुनने में काफी रूड लगता है, बट मस्क का ये कहना है कि अगर आपके बोलने के लिए कुछ ना हो तो मीटिंग में खड़े होके एक दूसरे की शक्ल देखने से अच्छा बाहर निकल जाना है, क्योंकि उसके 2 फायदे हैं। पहला कि अगर बाहर बैठे लोगों में से किसी के पास उस विषय में कुछ आइडिया होगा तो उसे बोलने का मौका मिल जाएगा, और दूसरा आप अपना टाइम बिना वेस्ट किए अपने काम में वापस लौट सकते हैं। और ये रूल सिर्फ उनके एम्प्लॉयज पे ही नहीं बल्कि वो खुद भी अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं। अगर कोई कॉल पे बिना काम की बात चालू कर दे तो वो कॉल सीधा कट कर देंगे, और अगर कोई मीटिंग में आउट ऑफ द टॉपिक बात चालू हो जाए तो वो मीटिंग डिसमिस बोल के वहां से उठ के निकल जाएंगे। और यहाँ पर उनका ये कहना है कि ये रूडनेस नहीं है, इससे दोनों पार्टीज का वक्त बच जाता है और दोनों कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। रूल नंबर 3, फाइनल रूल्स, नो फ्रीक्वेंट मीटिंग। उनके ऑफिसेज में एक ही टॉपिक पे बार बार मीटिंग्स नहीं होती, क्योंकि मस्क का ये कहना है कि अगर कोई प्लान काम नहीं कर रहा तो उस पर टाइम मत वेस्ट करो, इंस्टेड वो टाइम दूसरे प्लान को बनाने में इन्वेस्ट करो। एंड मस्क भी सिर्फ वही मीटिंग्स अटेंड करते हैं जहां उनकी जरूरत हो, सो दैट वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने डिजाइंस और आउटपुट में दे सके। सो फ्रेंड्स, ये थे उनके ऑफिस मीटिंग्स के 3 रूल्स। बट एक मिनट, आपको नहीं लगता कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने तो कहा था कि वो हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं, बट स्पेसएक्स के 40 और टेस्ला के 42 आवर्स को मिलाए तो वो 82 आवर्स ही होते हैं। तो भैया, ये बाकी के 18 घंटे कहाँ गायब हो गए? ये जानने के लिए हम आते हैं उनके डे के पार्ट 4 पे। पार्ट 4, आफ्टर वर्क, जहाँ नॉर्मल लोग दिन के 8 घंटे काम करने के बाद सीधे पलंग पे छलांग मारते हैं, वहीं इलॉन मस्क ऑफिस में दिन के 14 घंटे काम करने के बाद अपने आराम के लिए काम ही करते हैं। आप भूल रहे हो कि इलॉन मस्क 2 कंपनियां नहीं बल्कि 5 कंपनीज के मालिक है। वो बाकी के 18 घंटे इन्हीं बाकी के 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और कभी अगर इनके अलावा कोई भी वक्त बच जाता है तो वो अपने एनजीओ ओपन एआई में अपना वक्त गुजारते हैं। इन सब के अलावा वो काफी बार अपने डिनर्स भी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते हुए करते हैं। और भाई साहब, एक तो ये जनाब हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही जिम जाते हैं, वहां भी उन्हें शांति नहीं है, वहां भी वो अपनी बॉडी बनाते बनाते कॉन्फ्रेंस कॉल्स को अटेंड करते हैं। आई नो, अब आप कहोगे कि फैमिली नाम की भी कोई चीज होती है क्या, उसके लिए नहीं है टाइम उनके स्केड्यूल में? तो बिल्कुल, फैमिली के लिए भी उनके पास टाइम है, बट ओनली ऑन सैटरडेज एंड संडेज। पार्ट 5, फैमिली टाइम। सैटरडे का आधा दिन स्पेसएक्स में बिताने के बाद वो एक फैमिली मैन बन जाते हैं, जहाँ पर वो घर आके अपनी गर्लफ्रेंड ग्राइम्स के साथ या तो मूवीज देखेंगे या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। और संडे बोले तो फुल मजानी लाइफ, क्योंकि संडेज को इलॉन मामू फुल ऑन आराम करते हैं और अपने मन की थकान को बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेलते हुए गुजार देते हैं। और अगर इलॉन आपको बच्चों के साथ नहीं दिखे तो समझ लेना कि वो या तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं या फिर वो किसी वाइल्ड पार्टी में नाच रहे होंगे। हे बॉय। सो फ्रेंड्स, ये था इलॉन मस्क की जिंदगी का एक दिन। अब भैया, मैं अपनी बताऊं तो मैं तो इनसे काफी इंस्पायर और मोटिवेटेड हो चुका हूं। हार्ड वर्किंग के साथ साथ जीनियस भी है इलॉन मस्क, एंड ऑब्वियसली हम सबको बहुत कुछ सीखने मिलता है। और फ्रेंड्स, सीखने से याद आया, कुकू FM डाउनलोड करना मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 20% ऑफ है, सिर्फ 319 रुपए साल के देके आप कितना सारा ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डाउनलोड इट नाउ। वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रह सके। एंड एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।